जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही देखा थंबनेल पर, पबजी समेत 188 मोबाइल एप्लीकेशन बैन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें पबजी हुआ बंद। यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज अभी की यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप सभी को बता दें मंत्रालय द्वारा यहाँ पर पबजी समेत 188 मोबाइल एप्लीकेशन को यहाँ पर बंद कर दिया गया है, चाइनीज एप्लीकेशन को। तो पूरी डिटेल्स में आप सभी को पूरी खबर को बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर डेट की पुष्टि कराऊंगा। यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज, आप पबजी समेत 188 मोबाइल एप्लीकेशन बैन। सरकार के कुल 119 मोबाइल एक पर बैन लगाया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पब्लिश डेट भी देख सकते हैं, 2 सितंबर 2020 अभी हुआ है, 5:42 और 5:25 की यह खबर निकल कर आ रही है। थोड़ा डिटेल्स में हम पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। पबजी समेत 188 मोबाइल एप्लीकेशन बैन लगा दिया गया है। इससे पहले सरकार ने टिकटॉक समेत कई चीनी मोबाइल एप्लीकेशन को बैन किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर बैन किया गया है पबजी को। अब दोस्तों, यहाँ पर जो भी यहाँ पर गेम खेलते थे, स्टूडेंट हो चाहे बड़े, पबजी खेलते थे, उन सभी के लिए यहाँ पर बुरी खबर ये निकल कर आ रही है। उसी के साथ दोस्तों, आप अमर उजाला के ऑफिशियल न्यूज़पेपर से भी यह न्यूज पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट की पुष्टि कराएं तो 2 सितंबर 2020 5:25 की यह खबर निकल कर आ रही है। आईटी मंत्रालय ने लगाया पबजी और 118 अन्य मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध। क्या खबर है, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा डिटेल्स में आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मोबाइल गेम पबजी के साथ 118 अन्य मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि दोस्तों, अभी आप सभी को बता दें प्रतिबंध लग चुका है, अभी इसके लिए अभी पूरी तरीके से यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, अभी 118 जो नए एप्लीकेशन है, चाइनीज एप्लीकेशन, उनकी अभी लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं हुई है कि कौन कौन से एप्लीकेशन यहाँ पर बंद किए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप जी न्यूज पर भी पढ़ सकते हैं, सरकार की बड़ी कार्रवाई, पबजी समेत चीन के 118 और मोबाइल ऐप भारत में बैन। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 5:32 की यह खबर है। देख सकते हैं, यहाँ पर नई दिल्ली से यह खबर निकल कर आ रही है। नई दिल्ली, भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच सरकार ने ड्रैगन को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है। इससे पहले 15 जून को गलवान में हिंसक संघर्ष के बाद सरकार ने 57 चीनी ऐप को बैन किया था। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि जो भी यहाँ पर गेम खेलते थे, उन सभी के लिए बहुत बुरी खबर है कि यहाँ पर पबजी समेत 118 मोबाइल एप्लीकेशन को यहाँ पर बंद किया है, जो कि चाइनीज एप्लीकेशन थी। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बता दें, अभी इसकी यहाँ पर लिस्ट जारी नहीं हुई है कौन कौन सी एप्लीकेशन बैन की गई है। जैसे इस लिस्ट को यहाँ पर जारी किया जाता है सरकार द्वारा, मैं आप सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप सभी को अपडेट कर दूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।